दोस्तों नमस्कार, फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सारणिक से लिया गया है। यह 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, ये है हमारा एक सारणिक दिया गया है, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। इसके हमें गुणनखंड तोड़ना है। इसके लिए हम क्या करें, जो हमें सारणिक दिया गया है वह हमारे पास x, y, z, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई, इसी सारणिक को हम लेकर चलें। इस सारणिक को लेकर चलें तो हम देखते हैं क्या कि इसमें फर्स्ट कॉलम है, इसमें से हम सेकंड कॉलम को घटा दें। यानी फर्स्ट कॉलम हमारा है x, इसमें से y को घटा दिया। यह एक्स स्क्वायर, इसमें से वाई स्क्वायर को घटा दिया। यह हमारे पास वाई जेड, इसमें से जेड एक्स को घटा दिया। फिर हमारे पास है सेकेंड कॉलम y, इसमें से थर्ड कॉलम जेड को घटा दिया। यह वाई स्क्वायर, इसमें से जेड स्क्वायर को घटा दिया। यह हमारे पास जेड एक्स, इसमें से घटा दिया हमने एक्स वाई को। यहाँ बच जाएगा जेड जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई। हमने जो किया है वो यहाँ लिखते हैं। हमने क्या किया, सी वन में सी वन माइनस सी टू व सी टू में सी टू माइनस सी थ्री से, यानी सी वन में से सी टू को और सी टू में से सी थ्री को घटा दिया। अब इसके बाद इसको जब हम घटाएंगे तो हमारे पास है ये एक्स माइनस वाई। जब इसको सॉल्व करेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर एक सर्वसमिका लग जाएगी, एक फार्मूला लग जाएगा। तो x माइनस वाई ए की घात दो ऋण बी की घात दो, जो होता है ए धन बी, ए की जगह x, बी की जगह y, और ए ऋण बी x ऋण y। और यहाँ पर हमारा z कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा y माइनस एक्स। यहाँ पर देखें हम तो y माइनस जेड, ठीक यहाँ पर भी फार्मूला लग जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस जेड और ये हो जाएगा y माइनस जेड। यहाँ से हमारा x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बच जाएगा z माइनस वाई। ये हमारा z z स्क्वायर और ये है एक्स वाई। जब इसको और सॉल्व किया जाएगा तो इसके लिए हम देखें, ये x माइनस वाई है, ये x माइनस वाई, ये y माइनस एक्स। तो इसमें से x माइनस वाई को हम क्या कर लें, कॉमन निकाल लें। जब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो माइनस का निशान बाहर आ जाएगा। ठीक यहाँ पर y माइनस जेड है, y माइनस जेड, यहाँ z माइनस वाई। यहाँ से भी जब हम इसको कॉमन निकालेंगे तो x के साथ माइनस का निशान आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई पहले कॉलम से और दूसरे कॉलम से y माइनस जेड। जब इस कॉलम से ये बाहर आएगा, यहाँ बच जाएगा वन, यहाँ से बच जाएगा हमारा x प्लस वाई और यहाँ से बच जाएगा हमारा माइनस जेड। यहाँ से बच जाएगा वन, यहाँ से बच जाएगा हमारा वाई प्लस जेड और यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस एक्स। ये है जेड, ये है जेड स्क्वायर और ये है हमारा एक्स वाई। ये हमारे पास ये बच गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करें तो हम क्या करें, हमें अधिकांश अवयव को ज़ीरो बनाना है। तो इस सी वन में सी टू को हम क्या करते हैं, माइनस कर दें। जब सी वन में से सी टू को जब माइनस करेंगे, हमारे पास है एक्स माइनस वाई, ये हमारे पास वाई माइनस जेड। इसको माइनस करें तो देखिए वन में से माइनस वन हो जाएगा, ये हमारे पास एक्स प्लस वाई, इसमें से माइनस हो जाएगा वाई प्लस जेड। और ये हमारे पास माइनस जेड, इसमें से माइनस हो जाएगा माइनस एक्स। ये है वन, ये हमारे पास वाई प्लस जेड और ये हमारे पास माइनस एक्स, जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई, ये हमारे पास बचेगा। चलिए इसके बाद देखें तो ये हमारे पास है x माइनस वाई, ये हमारे पास y माइनस जेड। जब 1 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 0, ये है x प्लस वाई माइनस जेड, ये हो जाएगा माइनस जेड प्लस एक्स। ये है 1, ये हमारा y प्लस जेड, ये हमारा माइनस एक्स, जेड जेड स्क्वायर और ये हमारा एक्स वाई। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा ये x माइनस वाई, ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई, ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस जेड, ये बच जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगा हमारा x माइनस जेड। इसको भी लिख सकते हैं हम x माइनस जेड, ये हो जाएगा हमारा 1,
ये हो जाएगा वाई प्लस जेड, ये हो गया माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पर z माइनस एक्स है और यहाँ पर भी हमारा क्या है z माइनस एक्स है। तो इस z माइनस एक्स को z माइनस एक्स के घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा ज़ीरो। तो इसके लिए हम क्या करें, r2 में से r3 को घटा दें, तो यह x माइनस वाई, ये हमारे पास y माइनस जेड। r2 में से जब r3 को घटाएंगे तो ये हो गया हमारे पास ज़ीरो, ये हो गया हमारा वन, ये हो गया हमारा z। जब इसको घटाएंगे तो ये जाएगा x माइनस जेड और ये भी हो जाएगा x माइनस जेड। यहाँ से घटाएं y प्लस जेड में से घटेगा हमारा माइनस एक्स और z स्क्वायर में से घटेगा हमारा एक्स वाई, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस जेड, ये माइनस x है और ये हो गया हमारा एक्स वाई। हमने क्या किया यहाँ पर, r1 r2 में से हमने r2 माइनस r3 किया। जब ये इतना हो गया तो इसके बाद इसको और सॉल्व करें तो ये जाएगा x माइनस वाई, ये हो गया हमारा y माइनस जेड, ये ज़ीरो। जब आपने इसको घटाया तो x माइनस जेड और x माइनस जेड ये भी घट के बच जाएगा ज़ीरो। नीचे बच जाएगा हमारे पास x माइनस जेड, ये हो गया वन। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया हमारे पास माइनस एक्स जेड, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई। अब इसके बाद इसको इसका प्रसार कर दें सी वन के सापेक्ष। तो जब हम सी वन के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सी वन के सापेक्ष प्रसार करने पर। चलिए इसका हम प्रसार करें, प्रसार करने पर, चलिए इसका प्रसार करें तो ये हमारे पास क्या चल रहा है, x माइनस वाई, ये हमारे पास y माइनस जेड। जब इसका प्रसार करेंगे तो ये ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, इस ज़ीरो से ज़ीरो हो जाएगा। x माइनस जेड का हम मल्टीप्लाई करेंगे अब, क्योंकि ज़ीरो का मल्टीप्लाई ज़ीरो हो जाएगा, इससे ज़ीरो से किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करें तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अब हम करते हैं x माइनस जेड का, तो x माइनस जब जेड का प्रसार करेंगे तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा वन जेड, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और ये हो गया हमारा एक्स माइनस जेड। इसको सॉल्व करें तो वन का मल्टीप्लाई हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई से, माइनस जेड का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड से। मल्टीप्लाई करें इसका तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, जब वन का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स प्लस माइनस माइनस जेड वाई प्लस माइनस माइनस जेड स्क्वायर। देखिए ये हो गया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, जेड स्क्वायर से हमारा जेड स्क्वायर कट गया, माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई, यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस निकालने कॉमन तो हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और यही आ गए हमारे गुणनखंड और यही हमसे निकालने को कहा गया था और सारणिक से लिया गया है। यह प्रश्न सिद्ध कीजिए कि एक सारणिक दिया गया है वह ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, इसको बराबर सिद्ध करना है ए बी सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। इसको सिद्ध करने के लिए हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा ए, ए स्क्वायर ए क्यूब बी बी स्क्वायर बी क्यूब सी सी स्क्वायर सी क्यूब, ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम लेके चलते हैं। हम इसमें देख रहे हैं ये फर्स्ट कॉलम में पूरे में ए, सेकंड कॉलम में बी और थर्ड कॉलम में पूरे में सी है। तो हम क्या करें, पहले कॉलम से ए,
दूसरे कॉलम से बी और तीसरे कॉलम से सी बाहर निकाल लें, तो यहाँ पर अंदर बच जाएगा यहाँ पर वन ए ए स्क्वायर, वन बी बी स्क्वायर, वन सी सी स्क्वायर, ये हमारे पास बच जाएगा। अब इसके बाद हम ए माइनस बी और बी माइनस सी लाने की कोशिश करें। तो इसके लिए हम देखते हैं कि फर्स्ट कॉलम में से यदि सेकेंड कॉलम को हटाया जाए तो यहाँ ए माइनस बी आ जाएगा, यहाँ भी ए माइनस बी आ जाएगा, और सेकेंड में से थर्ड को हटाया जाए तो हमें बी माइनस सी मिल जाएगा। तो वही करें हम, तो वन में से हमने वन को माइनस कर दिया, ए में से बी को कर दिया, और यहाँ हमारे पास ए स्क्वायर, इसमें से कर दिया हमने बी स्क्वायर को। ऐसे यहाँ पर सेकेंड कॉलम में वन में से वन, बी में से सी, और बी स्क्वायर में से सी स्क्वायर, ये बचेगा वन सी सी स्क्वायर। यहाँ हमने क्या किया है, सी वन में सी वन माइनस सी टू व सी टू में सी टू माइनस सी थ्री से हम इनको घटाएं, तो हमारे पास है ए बी सी। जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा ज़ीरो, ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा जो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक ऐसे ही यहाँ ज़ीरो हो जाएगा सेकंड कॉलम में, ये हमारे पास बी माइनस सी है, यहाँ फार्मूला लग जाएगा बी प्लस सी बी माइनस सी, और थर्ड रो में वन सी सी स्क्वायर, ये है ही। अब देखिए फर्स्ट कॉलम में ए माइनस बी है, उसको कॉमन निकाल लें, तो ए बी सी तो है ही हमारे पास, यहाँ से कॉमन निकाल लिया हमने ए माइनस बी। सेकेंड कॉलम में हमारे पास है बी माइनस सी, ये भी कॉमन निकाल लिया, यहाँ बच जाएगा ज़ीरो वन ए प्लस बी, ज़ीरो वन बी प्लस सी, वन सी सी स्क्वायर, ये बचेगा। अब हम आर वन के सापेक्ष इसका प्रसार कर दें, जब हम आर वन के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ए बी सी ए माइनस बी, ये हमारे पास बी माइनस सी। जब आर वन के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला ज़ीरो। जब हम वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये कॉलम, ये रो छूट जाएगी। वन का मल्टीप्लाई होगा काय से, बी प्लस सी से, माइनस वन का मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी से। चलिए मल्टीप्लाई करें, इनका गुणा करें, तो ये हमारे पास ए बी सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, वन का मल्टीप्लाई होगा तो यही संख्या आएगी, और इसके अंदर क्या बचेगा, वन का बी से होगा बी, प्लस वन का सी से होगा सी, वन का ए से होगा माइनस ए, प्लस माइनस माइनस वन का बी से होगा बी, बी प्लस में बी माइनस में कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा ए बी सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, और यही हमारा है राइट हैंड साइड। हम लेके चले थे लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड हमने दिखा दिया राइट हैंड साइड के बराबर, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ये 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये है हमारा आव्यूह, दिया गया है x माइनस फाइव माइनस वन, वन ज़ीरो टू ज़ीरो टू वन टू ज़ीरो थ्री इंटू एक्स फोर वन इज इक्वल टू ज़ीरो हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें इस आव्यूह को हल करना है और x का मान ज्ञात करना है। हमारे पास है x माइनस फाइव माइनस वन, सेकेंड आव्यूह है वन ज़ीरो टू ज़ीरो टू वन थ्री, और थर्ड है हमारे पास x फोर वन। इन तीनों का इंटू मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा ज़ीरो दिया गया है। अब हमें इसको सॉल्व करके x का मान निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करें, तो हम क्या करें, फर्स्ट आव्यूह का मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा सेकेंड आव्यूह में करें। देखिए जब हम इसका गुणा करेंगे यहाँ पर, मींस पहली रो का फर्स्ट कॉलम, x का गुणा जब एक से करेंगे तो हमें मिल जाएगा x, प्लस माइनस फाइव का जब गुणा ज़ीरो से करेंगे तो ये हो जाएगा ज़ीरो, प्लस माइनस वन का जब टू से करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस टू। अब सेकेंड कॉलम में आए, x का गुणा जब जीरो से किया जाएगा तो हमें मिलेगा ज़ीरो,
प्लस माइनस फाइव का गुणा जब टू से किया जाएगा तो हमें मिलेगा माइनस टेन, प्लस माइनस वन का जब वन से किया जाएगा तो सॉरी ये है यहाँ पर ज़ीरो, माइनस वन का जब ज़ीरो से किया जाएगा तो हमें मिलेगा ज़ीरो। इसके बाद जब इस एक्स का गुणा दो से किया जाएगा तो हमें मिलेगा दो एक्स, माइनस फाइव का गुणा जब वन से किया जाएगा तो हमें मिलेगा माइनस फाइव। इसी प्रकार माइनस वन का जब तीन से गुणा किया जाएगा तो हमें मिलेगा माइनस थ्री, और यहाँ पर हमारे पास एक्स फोर वन ये चल ही रहा है, ये बराबर है ज़ीरो। चलिए इसको और सॉल्व करें तो जाएगा एक्स में ज़ीरो जोड़ेंगे ज़ीरो, और माइनस टू को घटाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा एक्स माइनस टू ज़ीरो, ये मिल जाएगा हमारे पास माइनस टेन, ये हो जाएगा हमारे पास टू एक्स प्लस माइनस माइनस फाइव प्लस माइनस माइनस थ्री, और यहाँ पर हमारा एक्स फोर वन है ही बराबर ज़ीरो। आगे और सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस टू माइनस टेन, टू एक्स माइनस माइनस एट, फाइव माइनस माइनस प्लस फाइव और थ्री हो जाएगा एट, बड़ी संख्या का निशान। यहाँ बच जाएगा हमारे पास एक्स फोर वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस पूरी रो का गुणा इस पूरे कॉलम में कर दिया जाए तो देखिए कैसे करेंगे, एक्स का गुणा इस एक्स से करेंगे। चलिए लिख दिया हमने एक्स इंटू एक्स माइनस टू, प्लस माइनस टेन का फोर से किया जाए तो माइनस फोर्टी, प्लस वन का मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा काय से टू एक्स माइनस एट से बराबर ज़ीरो, गुणा करें तो ये हो जाएगा हमारे पास जब एक्स का गुणा एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस माइनस माइनस फोर्टी प्लस टू एक्स प्लस माइनस माइनस एट इज इक्वल टू ज़ीरो, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस में टू एक्स माइनस में कट जाएगा माइनस माइनस प्लस फोर फोर्टी और एट फोर्टी एट बराबर ज़ीरो। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टी एट इज इक्वल टू ज़ीरो। इससे जब सॉल्व करेंगे तो 48 का पक्षांतर कर दें तो ज़ीरो के साथ हो जाएगा प्लस में 48, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 48, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स बराबर प्लस माइनस रूट ऑफ 48। इसीलिए एक्स बराबर प्लस माइनस 48 का रूट यदि निकालें वर्गमूल निकालें तो जाएगा 4 वर्गमूल 3, और यही हमें x का मान निकालना था। यही हमारा आंसर होगा जो 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।